ना बाकी सब ठीक है, अगर गिर गया तो फिर लंबाई छोटी हो जाएगी। एक भीगी हसीना क्या कहना, यौवन का नगीना क्या कहना, सावन का महीना क्या कहना, बारिश में पसीना क्या कहना। हाँ ये क्या है, देखिए जी ऐसे क्या। हाँ अच्छा, अरे यहाँ चलना पड़ेगा, नहीं चलिएटर हुआ अपना जबलपुर से और ये परमंत्री से कितना किलोमीटर, ये देखो 75 है, ये है ना, ये देखिए यहाँ भी कुछ है। आदि गुरु जो शंकराचार्य जी के जो गुरु थे गोविंद पादाचार्य जी है ना, ये साइड क्या है, बैक साइड भी है कुछ, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं संक्षेप में बताता हूँ, यहाँ पर वो आते हैं शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य परंपरा पूरे विश्व ये केंद्र बिंदु है। देखिए अरे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये स्थान कहाँ पर है, किस जगह पर है, यहाँ देखिए बहुत लंबी है, बहुत पतली है, सब बहुत गहरी है। आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से संक्षेप में, और पूरा वर्णन बताया मैंने आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए, हेमंत हेमंत की भी चैनल से धन्यवाद, इसको शेयर करें। अश्वनी भाई बताइए क्या क्या चीज है यहाँ पर, ये डेवलप कर दिया ये वाला ना क्या मार्गस्थान जो। हाँ 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 हाँ, और यही रास्ता है नीचे जाने का, देखिए ये इस रास्ता का उपयोग करते हैं। देखिए बाहर का भी दृश्य दिखाता हुआ मैं, और ये अंदर बहुत बड़ी गुफा जो इतिहास के पन्ने में पहली बार लोगों ने देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है पूरी गुफा। हाँ पढ़िए आप गुफा बारे में। शिलालेख जिसमें पाया गया पादाचार्य क्या है, जो इसी गुफा में निवास करते थे 8 वर्ष के अंदर। गोविंद पादाचार्य जी की ये मंदिर देखिए, विषय भैया कैसे हैं भैया। पादाचार्य के जो है गुफा हिंगलाज पंचधारा में उसी हिसाब से ये ऋषि मुनि बहुत बड़ी गुफा, आदमी रहता है तो दो होती है हर आदमी की, जहाँ जन्म होता है नर्मनाष्टक बनाया, नर्मदा जी की स्तुति की, सविंदु से हमारे गुरु जी को चाहते हैं कि तुम बने रहो, अभी बड़ा भव्य मंदिर भले कष्ट में रहो, कि माँ हमारी रहेगी महल में, स्थापना नहीं हुई और हम रहेंगे नारायण की परंपरा में। गोविंद को आदेश कर दिया कि ये सब धर्म का प्रचार निरंतर करते, नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, चारों तरफ भीख मांगने वाला ये गुरु जी की भीख मांगने वाला, किसी भी देश की औकात नहीं है कि अभिनंदन का हो, बाल बाका का हो या कोई भी मदरसा छात्र को यहाँ पाटन का लंगा खेल खेला जाता है, आपको वहाँ पर ये बताया कि का पानी हो जाएगा, ये चैलेंज करना है काली करना चाहिए, सेना है उनके खाली नहीं जाए, बाकी काली सेना है। हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से मैं